अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम रेसिपीज में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अरबी गोश्त के मज़ेदार से सालन की रेसिपी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 750 ग्राम बॉन्ग का गोश्त लिया है हड्डी के साथ, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा किलो अरबी को छील कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ये मैंने साबुत रखी है क्योंकि छोटे साइज की थी, अगर साइज़ बड़ा हो तो आप हाफ कर दीजिएगा। दो दरमियाने साइज के प्याज, तीन दरमियाने साइज के टमाटर, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून जीरा, नमक 2 टीस्पून या फिर हसबे जायका, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। अब इन तमाम मसालों को एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। एक प्रेशर कुकर में एक प्याली ऑयल को गरम कर लिया है और इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त का कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे। कलर चेंज हो गया है, अब जो हमने पीस कर रखे हुए हैं वो सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त और सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है कि ऑयल भी स्क्वीज आउट हो गया है। अब हम इसमें अरवी शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे। अरवी भी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 लीटर या फिर 4 गिलास पानी। मिक्स कर लेंगे। कवर क्लोज कर दिया है, अब हाई फ्लेम पर जब एक सीटी आ जाए तो 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। कुकर का प्रेशर जब खुद से रिलीज हो गया तो अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, सालन इसका थोड़ा पतला है और ये थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद लींबू का रस या फिर 1 टेबलस्पून, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 5 से 6 हरी मिर्चें और 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, ये अरबी गोश्त का सालन बहुत टेस्टी बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को यकीनन पसंद आएगा और रेसिपी भी यकीनन आपको आसान लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।